Welcome back to our channel, that is Life with Chumbi and Shreya. Right, Life with Chumbi and Shreya. And सुबह के बजे हुए 6:30, हम अब अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे निकल चुके हैं जो कि हमें है एक्सप्लोरेशन ऑफ राजस्थान. सो शुभ, डू यू नो वेयर वी आर गोइंग टू गो? सैंड ड्यून्स. यस, सो वो बाद में है, पहले हम जोधपुर जाएंगे. एक दिन हम जोधपुर विजिट करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे, देन टू डेज इन जैसलमेर एंड देन बैक टू जयपुर एंड देन बैक टू होम. सो इस पूरी जर्नी का आइटनरी, हम कहाँ रुके, हमने क्या स्पेंड किया, ये सब कुछ प्लस जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है. हाँ जी, इस जैसलमेर सैंड तो इसकी जितनी भी आइटिनरी होगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इस बार हम होटल्स में नहीं रुक रहे हैं, वी आर गोइंग विद एयरबीएनबी प्लस द सफारी, द डेजर्ट सफारी कैंप्स जो होते हैं उनके साथ. सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू, स्टे ट्यून्ड. हमारे वही फागू वाले ट्रिप के सारे भाई बंधु वापस आ गए हैं. हेलो श्रीशा. अजमेर क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं एंड इस जगह का नाम मैं अभी आपको देख के बताती हूँ. एंड अच्छा खाना था, बट नो राजस्थानी टच. बट हाँ, दिल्ली गुड़गांव लोगों के लिए सही है, पनीर दाल मखनी यूजुअल स्टाफ. सो यू कैन चेक दिस आउट, बट आई वुड रिकमेंड इट टू मच इफ अगर आप राजस्थानी खाने के लिए देख रहे हैं तो. पहले कि मैं हर बार की तरह भूल जाऊं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. लाइक कीजिए, लाइक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा होपफुली. एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस टाइप के ट्रिप पे जाना चाहते हो एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ हम रुक सकते हैं. एंड वन पॉइंट यू शुड नोट इज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है. सो बेसिकली जो कहते हैं कि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है. सो अभी बहुत ज्यादा गर्मी है एंड सुबह हम लोग पैक होके चले थे तो यहाँ पे दिन में अभी जैसे 3 बजे है. सो बहुत ज्यादा इट गॉट टू हॉट, हमें रुक के कहीं पे चेंज करना पड़ा. बट शाम जैसे जैसे होगी यही ठंड बढ़ती जाएगी. सो यू शुड कीप द क्लोथ्स, बट मेनली रात के लिए एंड आराम करने के लिए आपको थोड़ा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी. दिन में आई थिंक हाफ स्लीव भी पहने तो भी चलेगा. आशियाना अमर बाग में एयरबीएनबी के अंदर 3 BHK की एक लिस्टिंग थी जो कि हमने चूज़ करी थी. सो दैट वाज द मेन एरिया एंड दिस वाज माय रूम. ये किचन था एंड अभी रूम्स का मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी. बट इट वाज अ नाइस प्रॉपर्टी ऑल इन ऑल. वी हैड ऑल द एमिनिटीज दैट वी नीडेड, अ गुड रूम, प्रॉपर क्लीनिंग एंड अ गुड बाथरूम ऑल्सो. ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम था एंड ऊपर वाले फ्लोर पे, दैट इज़ फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम्स थे एंड वहाँ पे साथ में दोनों रूम्स के साथ में बालकनी भी थी. प्लस हमें यहाँ पे कुकिंग के लिए सारी एसेंशियल थिंग्स मिली एंड हमें एक बालकनी में वॉशिंग मशीन भी मिली जो हमने यूज़ करी थी, एक्चुअली में यूज़ करी थी. सो इट वॉज ऑल इन ऑल अ गुड डील. ये हमें पड़ा टोटल 11,000 रुपीज़ का. 2 नाइट्स के लिए 11,000 रुपीज़ में एक पूरा घर हमें अलग से मिल गया था. इट वॉज़ अ गुड डील.
हम टोटल 7 एडल्ट्स एंड 2 किड्स गए थे। सो ये सभी मेरे ट्रिप के साथी हैं। हम आशियाना होम्स के सामने ही एक वेयर हाउस नाम का रेस्टोरेंट था, वहाँ गए थे। वहाँ पे हमने डिनर किया क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते शाम के कुछ 6:30-7 बज गए थे एंड उस टाइम पे आप बाहर घूमने नहीं जा सकते। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट बाय द नेम ऑफ वेयर हाउस रेस्टोरेंट। खाना अच्छा था, सर्विस थोड़ी डिलेड थी, बट खाना ऑल इन ऑल हमें अच्छा लगा, इट वॉज गुड। बचे हुए हैं सुबह के 7 एंड हम लोग यहाँ थोड़ा सा बाहर निकले थे इस घर से। रियली अ नाइस प्लेस, अगर आप मेरे पीछे देखें तो दिस एयरबीएनबी की, इस एयरबीएनबी की लोकेशन काफ़ी अच्छी है एंड हमारे पीछे और भी लोग आ गए हैं जो मज़ेदार मौसम का मज़ा ले रहे हैं। चलो घूम लो घूम लो, आ जाओ। क्योंकि जोधपुर का फोर्ट 9 बजे से पहले नहीं खुलता तो हमने पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड देन अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। मेहरानगढ़ फोर्ट 1200 एकड़स में फैला हुआ एक फोर्ट है और इसकी नींव राव जोधा ने रखी थी 1459 में। यहाँ पर है टिकट हमें 200 रुपीज़ एडल्ट के लिए एंड 100 रुपीज़ बच्चे के लिए लगी, दैट इज़ 6 ईयर्स प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पे गाइड लेते हैं तो दैट इज़ अ फिक्स रेट ऑफ 600। नाम तखत सिंह है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ को राव जोधा जी ने 1459 में बनाया, उससे पहले मंडोर इनकी राजधानी थी जो लगभग 7-8 किलोमीटर नॉर्थ में है। अर्ली 15th सेंचुरी में मंडोर को मेवाड़ के महाराणा ने जीत लिया था और वहाँ के किले को तोड़ दिया। तो 18 साल के बाद में जब जोधा जी ने अपना राज्य वापस हासिल किया तो उन्होंने इस किले की और जोधपुर की स्थापना की 1459 में। फिर ये क्रममत बनता रहा, इस पर कई बार आक्रमण हुए। लास्ट जो युद्ध हुआ 1808 में युद्ध हुआ, जयपुर बीकानेर उदयपुर ने मिलकर के आक्रमण किया था। उस टाइम ये एंट्रेंस गेट था, या यहाँ आप देखिए दीवार के ऊपर भी कौन-कौन के निशान लगे हुए हैं। इस युद्ध का कारण प्रिंसेस कृष्णा कुमारी थी उदयपुर की, जोधपुर के महाराजा भी शादी करना चाहते थे और जयपुर वाले, तो कई लड़ाई हुई थी। 1808 में उन्होंने कोशिश किया पर उनकी हार हुई, हमारे महाराज की विजय हुई। तो विजय के उपलक्ष्य में ये पार्ट बनाया और एंट्रेंस गेट का निर्माण करवाया जहाँ से आपने प्रवेश किया, उसको हम जयपुर जयपुर एंट्रेंस विक्ट्री गेट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ लास्ट वार एंड लास्ट विक्ट्री। हमारे महाराज की विजय जरूर हुई पर कृष्णा ने शादी नहीं की, उसने सुसाइड कर दिया, सो वार फॉर नथिंग। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, 20 लाख की आबादी है। ये तो इसको सूर्य नगरी कहते हैं पर आजकल इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। हमारे राजस्थान में जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी। कम जोधपुर वासियों ने सोचा हम कम क्यों, हमने इसको नील नगरी कर दिया। वैसे गर्मी में घर ठंडे रहते हैं, हम नील चूने में डाल के पोते तो घर ठंडे रहते हैं। हमारे किले की इस जगह से नींव डाली गई थी। कहते हैं कि जब नींव का मूर्त जो निकला था उसमें बलि का, मनुष्य के बलि का मूर्त निकला था और वो ही अपनी इच्छा से कोई बलि दे, तो यहाँ पर नींव डाली गई थी और राजा राम नाम के व्यक्ति ने अपना बलिदान किया था जिनका ये नाम मेंशन किया हुआ है। जो फलसा लिखा हुआ है, हम मारवाड़ी में छोटा जो गेट होता है उसको फलसा कहते हैं, जो बैरियर के साथ में खड़ा करते हैं। तो शुरुआत तो बिगनिंग में ये इसका यहाँ गेट लगता था, इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो बड़ा गेट बना।
एंड ये वो जगह है जहाँ पर हम साथ साथ है की भी शूटिंग हुई थी हमारे हिवड़ा में नाचे मोर वाले सॉन्ग की। आई होप आप लोगों को रिमेम्बर होगा। इस महल का नाम मोती महल है। मोती महल 1595 में महाराजा शिव सिंह जी ने बनाया था। यहाँ पर उनका दीवान एक खास दरबार लगता था। देखिए थ्रोन जो ओरिजिनल है महाराजा के लिए, बाकी ये सब तीनों रखे हुए हैं। फोर्ट से निकल के फोर्ट के प्रेमिसेस में ही आप राइट साइड में ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आप आगे मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं एंड ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। फाइनली अभी हम लोग पूरा अपना फोर्ट घूमने के बाद बैठ गए हैं एंड वी आर वेरी टायर्ड। इट इज़ टायरिंग, इट इज़ वेरी यू नो वॉकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वीडियो हो रही है, वीडियो हाँ।
नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है राव जोधा का डेजर्ट रॉक पार्क, रॉक गार्डन भी इसको कहा जाता है, दैट्स वेरी नाइस फॉर अ हाइक ऑल्सो। सो अभी हम लोग आ गए हैं रॉक गार्डन, वी हैव गॉन थ्रू द टू मॉन्यूमेंट्स, दैट इज जसवंत का जसवंत थारवा एंड द फोर्ट ऑब्वियसली। अब हम यहाँ पे आके देख रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप की रॉक्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें, जो कि फोर्ट के बहुत ही पास है, तो इट्स वर्थ अ व्यू। गली में व्लॉग्स और रील्स बनाने में लगे हुए हैं और हम यहाँ पे व्लॉग्स बनाने में लगे हुए हैं। मेरा कैमरामैन आगे भाग गया, कह रहा मैं अब तुम्हारा कैमरामैन नहीं बनूंगा। मैं गली बॉय बनाऊं? अभी ये गली बॉय बना हुआ है। बेसिकली जोधपुर में भी आके मैंने अपने लिए बहुत सारे प्लान्स ढूंढ लिए हैं। ये हमारा ब्रिज था, ये हमारा ब्रिज मैंने बेबी क्रॉस किया है। एंड फाइनली हम अभी बस वहां पहुंचने वाले हैं। ज़िपलाइन कोई जगह नहीं मिली, वी डिडंट फाइंड द एग्जिट, सो वी थॉट इट बेस्ट टू go back the way we came, so we're going towards the entry again. Next stop is Turji ka Jhalra and ye ek pavri hai jo ki bahut purani hai, इंस्टाग्रामर्स के लिए स्वर्ग है। एंड आपने देखा भी होगा कि इस टाइप के स्टेपवेल पे काफ़ी फोटोज़ मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड नॉर्मल फोटोग्राफी में भी, राजस्थान की मूवीज़ में तो मिलती ही मिलती है। हाउएवर अगर आप यहाँ ना आए एंड बाय चांस इसे मिस कर दें तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग, आई मीन आई थिंक सो। आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स यहाँ ज़रूर डालें। एंड तुरजी का झालरा देखने के बाद हमारा लास्ट स्टॉप था क्लॉक टावर जाना, जो कि अभी हम दिखाएंगे। क्लॉक टावर की टिकट 25 रुपीज़ की है, बच्चा एंड अडल्ट दोनों के लिए लगती है, सो अगर आप जाना चाहें तो बहुत घूम घूम के ऊपर जाना पड़ता है।
कितना तो हम अभी यहाँ क्लॉक टावर पे आए हैं एंड मार्केट कुछ खास नहीं है बट नज़ारा अच्छा है। आई डोंट नो देखो रास्ता है क्या है तो वैसे आओ चलो 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 देखिए मना कर देखो कोई नहीं होगा तो चलो चलो बेबी मम्मा चल रही है साथ में ऊपर रास्ता है चलो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? हाँ बताइए ना, इसलिए तो आपका वेट कर रहा हूँ। ये देखो ये वेट लगेगा किसी भी चीज़ का दिलाने के लिए, गाड़ी को धक्का देने के लिए, खींचने का सिस्टम होता ना, वैसे ये वेट है। वेट ऊपर आएंगे ये धीरे धीरे नीचे जाएंगे, एक सप्ताह चलता है ठीक है ना। ये ऊपर आएंगे तो ये इसको खींचेंगे तो ये गाड़ी को पावर देंगे। ये गाड़ी कैसा है उधर, वो अलार्म कैसा है ठीक है, वो 15-15 मिनट से बजता है टाइमिंग है और ये आवर भी का है, हर 15 मिनट में एक बार बजता है। 30 में 2, 45 में 3, 60 में 4 बार स्ट्राइक करेगा, फिर बाद में जितना बजा उतना ये टकरा मारेगा। 70 में एक बार चालू करते हैं वगैरह, एक ही मशीन से, एक ही सी एक मशीन से ये चारों घड़ी कंट्रोल हो रही है चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। कब से यहाँ पे? 1910 से चल रही है, 1910 से। कभी रुकी नहीं? रुकी है जब जरूरत पड़ती है, मैकेनिक कर लेते हैं, लोकल मैकेनिक ही है ये इकबाल साहब है, ये मैकेनिक है। तुम उसको 11 का आई है 911 पहले इनके पापा जी देख रहे करते हैं, पापा जी के बाद ये देख रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा जोधपुर का ट्रिप ख़त्म हुआ है। हमने यहाँ पे जो भी विज़िट किया वन डे के अंदर विज़िट किया एंड वही सब हमने आपको दिखाया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक का व्लॉग जैसलमेर का, सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।